से वातावरण दूषित होता ही है, उससे ज्यादा फसल को उठता है, जमीन बंजर हो जाती है, आसपास की सारी जमीनें जो है बंजर हो जाती हैं। और इसमें से ऊपर से निर्देश भी है कि जहाँ भी ग्लू फैक्ट्रियां लगे तो वहाँ बाउंड्री वाल होना चाहिए, कवर्ड एरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ खुले आम धड़ल्ले से चल रही है, खुले आम एकदम, उससे वातावरण दूषित हो रहा है और अगल बगल के पूरे खेत जो है बंजर हुए जा रहे हैं। ग्लू फैक्ट्रियों में लोगों को दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये जिले के उन्नाव जिले के शहरी इलाकों में भी अब धीरे धीरे प्रवेश करने लगे हैं। ये लोग कुछ चमड़े टाइप का कुछ होता है उसको जलाते हैं, जिससे धुआं निकलता है, वो ज़्यादा वो धुआं सांस लेने में बहुत दिक्कत पैदा करता है और इसका प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्लू फैक्ट्रियाँ जिनका विवरण किया जा रहा है वो असल में मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं, जो कि लेदर की कतरन इत्यादि चीज़ों को जो है वो बॉयलर में उबाल करके उससे प्रक्रिया से जो है ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। और इनकी स्थापना के लिए जो है एक मानक बना हुआ है कि लोग जो भी अपना बॉयलर लगाएंगे उसके साथ 25 फुट चिमनी और एक साइक्लान रहेगा, इसके अलावा एक इनकी बाउंड्री वाल रहेगी जो कि अपना हाथम का घिरा रहे, और ईंधन के रूप में जो है ये लकड़ी का ही प्रयोग करेंगे। जब कभी भी ये लोग गाहे बगाहे अगर ये कतरन जलाते हैं तो उससे धुएं की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी टीम बराबर इस पर काम करती रहती है, उनको नोटिस दिया जाता है और जो मैटर संज्ञान में आता है हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैन्योर उत्पाद फैक्ट्रियां हैं उनको हमारे बोर्ड से चलाने के लिए सहमति प्राप्त है, और जो किस तरह अवैध मैटर अगर कोई संज्ञान में आता है उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं और निराकरण का प्रयास करते हैं।